So recently, ICAI conducted a webinar for CA foundation students who are going to give their exams now in June 22 attempt. Guys, 2 hours 40 minutes का वो long webinar था and मुझे पता है आप लोग के पास अभी इतना time नहीं है कि आप जाके 2 hours 40 minutes 45 minutes का webinar देखो. So that's why I myself sat down, noted down some key summary points for you which are extremely extremely crucial guys. पूरा webinar बहुत useful था. तो इसके लिए I have noted down crucial summary points for you जिस वजह से आपके हर subject में 10 to 15 marks बढ़ सकते हैं. ऐसी चीजें उन्होंने बताई guys, जबरदस्त वेबिनार था. तो ये सब पॉइंट्स अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ऐसे ही जो भी आईसीएआई की तरफ से नोटिफिकेशंस आएंगे, जो भी आपको जरूरत पड़ेगी एग्जाम के इन लास्ट 15-20 डेज में, इस चैनल पे आता रहेगा. तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकॉन, बिकॉज ऐसे ही वेबिनार की समरीज मैंने सीए इंटर और सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए भी बनाई थी. एंड एग्जाम्स होने के बाद मुझे इतने सारे लोगों के मैसेजेस आए कि मैम उस वीडियो का वो पॉइंट की वजह से ये पेपर बच गया मेरा, ये मेरा पूरा पेपर अटेम्प्ट ग्रुप बच गया. सो ऐसे ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स निकल के आते हैं वेबिनार में से. सो ध्यान से सुनना मुझे, अच्छे से सुनना मुझे, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रखना चैनल के लिए. तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, उन्होंने बोला कि बच्चों की प्रॉब्लम स्पेशली सीए फाउंडेशन लेवल पे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि बच्चे क्वेश्चंस बराबर से नहीं पढ़ते. क्वेश्चन कुछ हाउ का पूछा है, आप कुछ व्हाट का लिख रहे हो, व्हाई पूछा है, आप कुछ व्हेन का लिख रहे हो. तो प्लीज गाइज, अपने ये मिस्टेक्स क्यों होती है बताए, बिकॉज अपन काफी बार पैनिक मोड में एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं कि दिमाग में अरे ऐसे इसमें से आने वाला है, इसमें से आने वाला है, मुझे कुछ याद नहीं रह रहा है. नो गाइज, डोंट एंटर द एग्जामिनेशन हॉल विद एनी पैनिक मोड. रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली सो दैट आपने जो पढ़ा है वो प्रॉपरली लिख पाओ ऑन दैट पीस ऑफ पेपर. पूरा समरी है गाइस, तो ध्यान से सुनना अच्छे से. नेक्स्ट पॉइंट इज एमसीक्यूज. गाइस, एमसीक्यू का उन्होंने इतना अच्छा पॉइंट बताया कि एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए चार प्रोसीजर होता है, चार स्टेप्स में अपन आंसर की तरफ आते हैं. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज रीडिंग द क्वेश्चन, द सेकंड इज थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन, द थर्ड इज सॉल्विंग द क्वेश्चन, एंड द फोर्थ इज मार्किंग द क्वेश्चन. तो सोचो ये चार चीजें करते करते ही अपना टाइम चला जाता है. और अगर आप देखोगे एमसीक्यू के लिए पर एमसीक्यू अपने को 72 सेकंड्स के ऊपर नहीं मिलता, उसमें भी ऊपर के 3 से 4 सेकंड्स तो अपने वो सर्कल करने में चले जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में 10-20 सेकंड्स चला जाता है. तो आई थिंक सॉल्विंग के लिए बहुत कम टाइम बचता है. तो उसके लिए गाइज अभी एमसीक्यू प्रैक्टिस करो ही करो. उन्होंने स्पेसिफिकली स्ट्रेस किया है कि कोई भी बच्चा पूरे एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहा है, तो इट इज वेरी मैंडेटरी फॉर यू टू सॉल्व द एमसीक्यूज. गाइज फॉर्मैट्स बराबर से रखो. उन्होंने क्लियरली बोला कि बच्चे फॉर्मैट्स ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इस वजह से भी उनको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं. कैलकुलेटर से सम कुछ और है, कुछ और ही कॉपी कर रहे हैं, इस वजह से भी बच्चों को मार्क्स नहीं मिल रहे, सिली मिस्टेक्स होते हैं. उन्होंने ना एक बात बहुत अच्छी बताई कि अभी लास्ट के 20 डेज हैं, यहाँ पे दीज आर द लास्ट फ्यू डेज विच आर द डिसाइडिंग डेज. जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, आप लोग को भी पता है कि लास्ट ओवर्स आर द डिसाइडिंग ओवर्स. तो ये 20 डेज में अगर अभी तक पढ़ाई नहीं भी की तो अभी तक भी काफी कुछ हो सकता है. एंड द नेक्स्ट थिंग उन्होंने बोला स्टेप मार्किंग. गाइज अपने को क्या लगता है, जैसे कि अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, अरे मुझे नहीं आ रहा है, मेरा टैली नहीं हो रहा है, अरे उससे कुछ नहीं होगा. चलो हम टैली होने के मार्क्स रहते हैं लेकिन स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं. चलो आपको फाइनल आंसर नहीं आ रहा है तो भी इट्स ओके, बट स्टेप 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 के मार्क्स मिलते है. तो डू टेक केयर ऑफ द स्टेप्स. नहीं आता पूरा आंसर तो भी जितना है रिकलेक्ट करो और शांत माइंडसेट से स्टेप्स पे ध्यान दो. नेक्स्टली बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हैंडराइटिंग बराबर होनी चाहिए क्या, तो ही मुझे मार्क्स मिलेंगे. जस्ट मेक श्योर कि प्रेजेंटेबल होना चाहिए, लेजिबल हैंडराइटिंग होनी चाहिए. उसके लिए प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो. थोड़ा सा अंडरलाइन अगर कर सको, भले ही थोड़ा पेंसिल से कीवर्ड्स टेक्निकल वर्ड्स अगर अंडरलाइन कर सको, फॉर्मेट्स प्रॉपरली ड्रॉ करो, हर क्वेश्चन नए पेज पे सॉल्व करो, दैट वुड सर्टनली हेल्प यू. तो मेक द पेपर प्रेजेंटेबल. हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो मेक द पेपर प्रेजेंटेबल. नेक्स्टली ट्रू और फॉल्स. जनरली ट्रू और फॉल्स के साथ वो विथ रीजंस मेंशन करने बोलते हैं आपको. तो प्लीज अगर ट्रू और फॉल्स पूछा है तो सिर्फ ट्रू या फॉल्स मत लिख के आओ, रीजनिंग दो उसके पीछे. गाइज इसके पीछे भी उन्होंने बोला बहुत सारे स्टूडेंट्स लूज आउट देयर मार्क्स हियर बिकॉज वो रीजंस ही नहीं देते. नेक्स्टली गाइज, जैसे इंटर और फाइनल के लिए भी आरटीपीज एमटीपीज आईसीएम मॉड्यूल बहुत स्ट्रेस किया गया था और आईसीएम मॉड्यूल में से नुक एंड कॉर्नर में से क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो प्लीज डोंट टेक दीज लाइटली. आरटीपीज एमटीपीज पास्ट पेपर्स एंड आईसीएम मॉड्यूल, प्लीज इनको बहुत अच्छे से करना है. नेक्स्टली उन्होंने बस एक ही मंत्र बोला, अगर आपको एग्जाम पास करना है तो राइट 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 एंड राइट, दैट्स इट. जितना हो सके रिटन प्रैक्टिस रिटन प्रैक्टिस रिटन प्रैक्टिस करनी है. उन्होंने बोला एग्जामिनर
कॉमेंट्स ये ही बोलता है कि इस बच्चे को पता तो था कि क्या लिखना है बट समवेयर ही गॉट स्टक, समवेयर ही गॉट ब्लैंक बिकॉज रिटन प्रैक्टिस नहीं की कभी, तो रिटन प्रैक्टिस इज मैंडेटरी। अभी एक सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या क्या बोला। जैसे बीसीआर के लिए उन्होंने बताया कि कंपल्सरी क्वेश्चन जो है वो जनरली पूछे जाते हैं फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन एंड नोट्स मेकिंग जनरली, तो इनको बहुत अच्छे से करो। एंड फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो है उसमें से 20-25 मार्क्स का आता है, तो बीसीआर को लाइटली नहीं लेना है और इसको फर्स्ट 5 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है। बीसीके का उन्होंने बताया चैप्टर 3 और 6 जनरली मैक्सिमम बच्चे छोड़ते हैं, तो अगर आप चैप्टर 3 और 6 करोगे तो आपको एज मिलता है टुवर्ड्स द अदर पेपर्स एंड आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, तो चैप्टर 3 और 6 मत छोड़ो बीसीके का। इकोनॉमिक्स उन्होंने बताया कि बच्चे 12th का बैगेज लेके आते हैं कि एज इट इज क्वेश्चन पूछेंगे बुक में से, बट सीए के स्टेज पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू 12th स्टैंडर्ड, तो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखो। लॉ के केस में उन्होंने बताया प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने बताया फैक्ट्स ऑफ द केस, प्रोविजंस और कंक्लूजन इस फॉर्मेट में लिखो। उन्होंने बोला फैक्ट्स ऑफ द केस सिर्फ क्वेश्चन कॉपी करना है उसके लिए 1 मार्क है, तो इसमें कंजूसी मत करो, प्रॉपरली करो, प्रॉपरली प्रेजेंट करो। नेक्स्टली लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बहुत लीगल लैंग्वेज लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, थोड़ा एग्जामिनर पे भी इंप्रेशन पड़ेगा। सेक्शन नंबर्स लिखना मैंडेटरी तो नहीं है बट लिखते हो तो दैट सेट्स योर पेपर अपार्ट फ्रॉम अदर, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस लॉ, जहां जहां पे केस लॉ मेंशन कर रहे हो केस लॉ का नाम तो लिखो ही लिखो, उसके साथ वो केस लॉ को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करना है आपको, भले ही 1 लाइन में एक्सप्लेन करो बट एक्सप्लेन दैट केस लॉ, उसको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं आपको। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स, उन्होंने क्लियरली बोला जैसे मैंने बोला 72 सेकंड्स पर क्वेश्चन, तो आपको अभी से जितना हो सके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। उन्होंने बोला अज्यूम करके चलो 20 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू में आने वाले 100 में से 20 क्वेश्चन मैथ्स के नए आने वाले, तो उसको देख के पैनिक नहीं करना है, 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे, 20 क्वेश्चंस थियोरी आएंगे फॉर श्योर। थियोरी के भी उन्होंने बताया कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, थियोरी के लिए चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर्स, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर थियोरी एरियाज। एंड या सो 20 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी न्यू, 20 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी लेंथी एंड 20 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी थियोरी, ये जनरली पैटर्न होता है आईसीआई का। एंड लेस मार्क्स मिलते हैं मैथ्स में, क्यों मार्क्स कम मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। एंड द नेक्स्ट फैक्टर देयर इज स्पीड, स्पीड कम होती है बच्चों की, उस वजह से भी मार्क्स कम मिलते हैं, तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस वॉज द समरी ऑफ दैट वेबिनार, तो गाइज प्लीज टेक अ नोट ऑफ ऑल ऑफ दीज, छोटी छोटी बातें हैं बट दीज लीड टू बिग ब्लंडर्स, कभी कभी पूरा अटेम्प्ट स्टेक में चला जाता है, ठीक है। तो या आई विल सी यू इन द सेशन टुनाइट एट 9 o'clock, पूरा डिटेल में स्टडी प्लान, अर्ली रूटीन, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड लेट अस carve your success story, theek hai, wish you all the best, believe in yourself, this is me signing out, ta ta।